अयोध्या में योगी सरकार के तीसरे दीपोत्सव में फाइबर की राम की मूर्ति पर्यटकों के लिए खासा आकर्षण का केंद्र होगी। राम की पैड़ी में 18 फुट के धनुष बाण लिए श्री राम की मूर्ति लगा दी गई है। यही नहीं, इसी तरह की दो अन्य मूर्तियों को भी लगाया जा रहा है। एक मूर्ति नए घाट पर हनुमान जी की है, जिनके कंधे पर श्री राम और लक्ष्मण बैठे हुए हैं। वैसे ही तीसरी मूर्ति हनुमान जी की है, जिनके सीने में श्री राम विराजमान हैं। इस बार मूर्ति लगाने में शासन ने खासा एहतियात बरता है। पिछले वर्ष श्री राम और हनुमान जी की मूर्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाई गई थी, जिसको लेकर संत समाज में एक नाराजगी भी थी। पिछले वर्ष दीपोत्सव के खत्म होने के बाद भी मूर्तियां लगी हुई थी, जो बरसात के दिनों में खराब होकर गिर गई थी। इसको देखते हुए इस बार संस्कृत विभाग ने फाइबर की मूर्ति को लगाने का फैसला लिया। यह तीनों मूर्तियां पर्यटकों के लिए खासा महत्व रखेंगी। साथ ही यह मूर्तियां जो फाइबर की बनी हुई हैं वह खराब भी नहीं होंगी। मूर्तियों की बात करें तो राम की पैड़ी में लगी श्री राम की मूर्ति 18 फीट की है। नए घाट में लगी हनुमान जी की मूर्ति 20 फीट की है। वहीं तीसरी मूर्ति हनुमान जी की 15 फीट की है। ये सभी मूर्तियां प्रयाग व काशी से मंगाई गई हैं। यहाँ पे टोटल हम तीन मूर्तियाँ लगा रहे हैं फाइबर की। एक तो पहला प्लेस में जहाँ आप खड़े हुए हैं, भगवान रामचंद्र जी की 15 फीट की लगी है। और एक नया घाट बना है, नया घाट के सामने 20 फीट की हनुमान जी की मूर्ति बनी है, जिसके कंधे पे भगवान राम और लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं। और तीसरा अभी जगह डिसाइड हो रहा है, उसमें ये दिखाया गया है कि भगवान आपके हनुमान जी ने सीना चीरते हुए भगवान राम और माँ सीता जी को प्रकट करते हुए दिखाया है। ये मूर्तियाँ जो ये जो किसकी मूर्ति है? ये फाइबर रेजिन की होती है, इसकी लाइफ होती है, इस पर डीको कलर होता है, बाकी तुम्हारी मर्जी जैसे। और ये डैमेज नहीं होता, ऑल प्रूफ होता है, यानी आप धूप बारिश आंधी तूफान इससे कोई इसमें खराबी नहीं आती है। कहाँ से बन के आई है? ये सब इलाहाबाद प्रयागराज से बन के आई है। तो क्या ये मूर्तियाँ स्थायी तो रहेगी यहाँ पर? ये तो अभी ये यहाँ के जो प्रशासन है, वो मेरा काम है जो पर्व पे लगना है उस पर्व के लिए हम लगा रहे हैं। बाकी यहाँ के प्रशासन उसको कहाँ क्या ले जाए, कहाँ पे शिफ्ट करे, ये तो इनका कार्य है। क्या नाम है आपको? मैं नीरज कुमार वर्मा, आकृति आर्ट्स का प्रोप्राइटर।